झारखंड इतिहास के सिंह वंश से 111 नंबर क्वेश्चन। निम्न से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? सिंह वंश का प्रभुत्व था तो नाम से पता सिंह हूँ, इसलिए तो सिंह वंश हुआ। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा? पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा? डब्ल्यू हंटर, तो हंटर पड़ेगा ना, हंटर पड़ेगा ना, तो बस ठीक हो जाएगा। तो हंटर पड़ेगा, हंटर हाट, हाट हंटर हो गया, काम हो गया। तो किसने सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा? हाट बोले तो हंटर पड़ेगा, हंटर हो गया। सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज, सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज पुस्तक के लेखक टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह, टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। याद रखोगे क्या बोला जा रहा है कि सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेज के लेखक टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंह। पोरहाट राज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह पोरहाट राज के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह, ठीक है, काशीनाथ सिंह। क्या देखेंगे किस, तो पोरहाट के संस्थापक काशीनाथ सिंह। किस सिंह वंशी शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अष्टधात्री देवी के रूप में स्थापित किया? ठीक है, किस सिंह वंशी शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? किसने किया? तो अच्युत सिंह, अच्युत सिंह ने किया। तो अच्युत सिंह ने पौरा देवी को अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित। किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार फलस्वरूप भुया विद्रोह शुरू हुआ? ठीक है, भुया विद्रोह शुरू हुआ था। किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भुया युद्ध शुरू हुआ था? तो जगन्नाथ सिंह, क्या होगा जी? जगन्नाथ सिंह, क्या होगा जी? जगन्नाथ सिंह, याद रखिए जगन्नाथ सिंह। निम्न से किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता था? तो राजवंश को, किस राजवंश को नरबलि प्रथा का समर्थक माना जाता है? तो ढाल वंश, ढाल वंश है ना, जब भी बलि दिया जाता है ढाल टाइप का रहता है, उसको गला फंसा के बलि दिया जाता है। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी, तो बैंगलर, बैंगलर, तो बहुत से ब्राह्मण कन्या, बहुत से बैंगलर, याद रखें। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? ठीक है, तो हरिकर्ण। इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था? तो हरिकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर टैक्स वसूली की थी? याद रखिए मलिक छज्जू किसका सेनापति? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन? मलिक छज्जू। तो कौन अलाउद्दीन का कौन सेनापति था जो छोटा नागपुर पर आक्रमण कर टैक्स वसूला? तो मलिक छज्जू। और कब की बात है? 1310। 120 नंबर क्वेश्चन हुए, तो नेक्स्ट।